मारुति सुजुकी बोलती है कि 10 लाख के अंदर ईवीस लॉन्च करना मुश्किल है और इसीलिए वो वेट एंड वॉच करेंगे और बाकी कंपनीज के बाद ही अपनी ईवी निकालेंगे। टोयोटा ने ग्लोबली 30 गाड़ियां लॉन्च करने का डिसाइड किया है, लेकिन उनके रोड मैप में इंडिया का नामो निशान कहीं पर भी दिखाई नहीं देता है। और होंडा को ये लगता है कि इंडिया अभी ईवीस के लिए तैयार नहीं है, इसीलिए वो ईवीस लॉन्च करने में जल्दबाजी नहीं दिखाने वाले हैं। लेकिन हमारे देश की महिंद्रा के इरादे बिल्कुल अलग दिखाई देते हैं और वो बोल चुके हैं कि वो 2027 तक 2 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बेचने का टारगेट रखते हैं और इसीलिए 15 अगस्त के दिन 5 बहुत ही अच्छी दिखने वाली फुली इलेक्ट्रिक एसयूवी लॉन्च करके महिंद्रा ने पूरे इंडिया को हैरान करके रख दिया। और हैरान इसलिए किया क्योंकि ये कोई नहीं सोच रहा था कि महिंद्रा इतनी सारी एसयूवी 4 साल के अंदर ही लॉन्च करेंगे, बावजूद इस बात के कि महिंद्रा के पास ईवी में कोई भी खास प्रोडक्ट नहीं है इस टाइम। और दूर से देखने पर यह भी लगता है कि महिंद्रा ईवी के गेम में काफी ज्यादा नए हैं। फिर कैसे महिंद्रा इतने अच्छे दिखने वाले डिजाइन्स डेवलप कर रहे हैं जो इंटरनेशनल ईवीज को कड़ी टक्कर देते हैं और ज्यादातर ईवीज से बहुत ही ज्यादा अच्छे दिखाई देते हैं। कैसे उनके सारे कार मॉडल्स सिर्फ एक ही स्केटबोर्ड प्लेटफॉर्म पर फिट हो जाते हैं रिगार्डलेस ऑफ देयर लेंथ एंड विड्थ। और एंड में ये भी समझेंगे कि क्यों टोयोटा जैसे ब्रांड ये बोलते हैं कि वो इंडिया में ईवी तभी लॉन्च करेंगे जब इंडिया पूरी तरीके से ईवी ओरिएंटेड हो जाएगा। और मुझे लगता है इस बात का फायदा इंडियन ब्रांड्स को बहुत ही ज्यादा मिलने वाला है। लेकिन हमें सबसे पहले ये समझना चाहिए कि महिंद्रा ईवी स्पेस में उतने नए नहीं है जितना हम लोग सोच रहे हैं, बल्कि महिंद्रा ने अपना पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल 1999 में ही लॉन्च कर दिया था जो कि एक थ्री व्हीलर था। उन्होंने इस थ्री व्हीलर का नाम बिजली रखा था और इसे एक लास्ट माइल कनेक्टिविटी सॉल्यूशन के तौर पर उतारा था और सबसे पहले इसे दिल्ली के कनॉट प्लेस में डिप्लॉय किया गया था। बाद में बिजली के लेटर वेरिएंट्स हमें माता वैष्णो देवी की चढ़ाई पर भी दिखा करते थे। महिंद्रा की ये बस एक पहल थी, पर ये कोई सिग्निफिकेंट स्टेप नहीं था। लेकिन महिंद्रा की ईवी सेक्टर में थोड़ी सीरियस एंट्री तब हुई जब उन्होंने इंडिया की पहली फुली इलेक्ट्रिक कार कंपनी रेवा को एक्वायर कर लिया। रेवा की शुरुआत 1994 में हुई थी, लेकिन उन्होंने 2001 में पहली टू सीटर कार बनाई थी। महिंद्रा ने इस कंपनी को 2010 में एक्वायर कर लिया था और कंपनी का नाम बदलकर महिंद्रा रेवा रख दिया था। और कुछ टाइम बाद उन्होंने E2O नाम से एक इलेक्ट्रिक कार भी निकाली थी जो रेवा पर ही बेस्ड थी, जो कि बाद में लिथियम आयन बैटरीज के साथ आने लगी थी। महिंद्रा ने इस कंपनी का नाम 2016 में बदलकर महिंद्रा इलेक्ट्रिक रख दिया, जिसके अंदर महिंद्रा ई वरीटो लॉन्च करी गई थी और ये कमर्शियल वैन और बाकी कुछ और भी गाड़ियां लॉन्च की गई थी। मास मार्केट प्रोडक्ट्स के अलावा महिंद्रा ने पिनिनफरिना को 2015 में एक्वायर किया था जो कि एक इटालियन डिजाइन फर्म थी और अपनी भारी इन्वेस्टमेंट से उन्होंने इसे एक हाइपर कार मेकर में कन्वर्ट कर दिया, जिन्होंने एक 1900 हॉर्स पावर की इलेक्ट्रिक कार भी लॉन्च करी थी 2019 में। इसके अलावा महिंद्रा ने 2014 में फार्मूला ई में पार्ट लेना चालू किया था, जिसकी वजह से वो फार्मूला ई के 10 में से एक फाउंडिंग मेंबर भी बन गए थे। मैंने जो महिंद्रा की अभी तक की इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जर्नी बताई है, उससे ये समझ में आता है कि महिंद्रा को एक अच्छा प्रायर एक्सपीरियंस है ईवी स्पेस में एंटर करने के लिए। और इसीलिए शायद जब उन्होंने अपने फुली ईवी सब्सिडरी ब्रांड को लॉन्च करने का डिसाइड करा तो उन्हें ब्रिटिश इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट से 2000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट मिल गई। अब इन गाड़ियों के बारे में तो आपने कई जगह सुन ही लिया होगा, तो मैं उसके बारे में ना बताते हुए पहले महिंद्रा की जीनियस इंजीनियरिंग के बारे में बताना चाहूंगा जो महिंद्रा की इन कार्स को डेवलप करने में यूज होने वाली है। महिंद्रा ने इनग्लो नाम का एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है, जिसमें इस इनग्लो वर्ड का मतलब है इंडिया ग्लोबल। महिंद्रा ने यह प्लेटफॉर्म पूरी तरीके से ग्राउंड अप इन हाउस डिजाइन किया है और अगर हम इसका कंपैरिजन किसी भी इंटरनेशनल ब्रांड के साथ करें तो हमें इसमें और बाकी ब्रांड के प्लेटफॉर्म में कोई भी फर्क नहीं दिखाई देता है, एटलीस्ट विजुअली। इस प्लेटफॉर्म की लेंथ और विड्थ बढ़ाई और कम की जा सकती है, जिसकी वजह से महिंद्रा को इतनी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि वो इसे अपनी क्रेटा राइवल और फॉर्चूनर राइवल तक की गाड़ियों में भी यूज कर सकते हैं। वैसे तो ऐसे स्केटबोर्ड डिजाइन के प्लेटफॉर्म को काफी सारे मैन्युफैक्चरर्स यूज कर रहे हैं, लेकिन ये महिंद्रा के केस में बहुत ही ज्यादा फायदेमंद साबित हो रहा है। फॉर एग्जांपल, जहां टोयोटा और होंडा 40 से 50 बिलियन डॉलर्स का बजट बनाए बैठे हैं अपनी ईवीज को लॉन्च करने के लिए, वहीं महिंद्रा ने सिर्फ $1 बिलियन की कमिटमेंट करी है अपने पूरी ईवीज के डेवलपमेंट के लिए। हाँ, मानता हूँ कि वो 30 गाड़ियाँ लॉन्च करने वाले हैं और बहुत अलग अलग पावर ट्रेन्स भी यूज करेंगे, फिर भी मैं ये बोलूंगा कि महिंद्रा हमेशा से अपनी कॉस्ट इफेक्टिवनेस के लिए जानी जाती है और ये सिलसिला उनकी पहली स्कॉर्पियो से चलता आ रहा है और ये हमें यहाँ पर भी देखने को मिल ही रहा है। महिंद्रा की इन ईवीज की बैटरी भी बहुत ही ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। महिंद्रा की इन बैटरीज का आर्किटेक्चर ब्लेड और प्रिज्मेटिक होने वाला है, जिससे इन बैटरीज की चार्ज साइकिल बहुत ज़्यादा बढ़ेगी और ये काफ़ी ज़्यादा सेफ भी हो जाएंगी। ये बैटरीज लिथियम आयरन फॉस्फेट केमिस्ट्री पर बेस्ड होंगी इंस्टेड ऑफ वास्टली यूज्ड लिथियम आयरन। महिंद्रा का ये भी कहना है कि ये गाड़ियाँ 5 सेकंड में 0 से 100 की रफ्तार पकड़ लेंगी और इनमें 450 किलोमीटर तक की रेंज मिलने वाली है। महिंद्रा ने ये प्लेटफॉर्म बेशक से अपने आप ही डेवलप किया हो, लेकिन इनमें यूज होने वाले कुछ मेजर कंपोनेंट्स जैसे कि इनकी बैटरीज और मोटर्स वो फोक्सवैगन से सोर्स करने वाले हैं। महिंद्रा ने इसके पीछे दो रीजंस बताए हैं,
पहला तो ये कि ऐसा करने से महिंद्रा की R&D कॉस्ट में काफी ज्यादा कमी आएगी, और दूसरा ये कि VW के पार्ट्स यूज करने से वो अपनी कमिटेड टाइमलाइन पर गाड़ियों को लॉन्च कर पाएंगे। मेरे हिसाब से महिंद्रा का VW के कंपोनेंट्स यूज करना एक सबसे बड़ा समझदारी वाला फैसला है, और ऐसा इसलिए क्योंकि VW ग्रुप इस टाइम दुनिया के तीसरे सबसे बड़े इलेक्ट्रिक व्हीकल मेकर हैं, और उनके पास इकोनॉमी से लेकर स्पोर्ट्स हर तरीके की गाड़ी अवेलेबल है। महिंद्रा और बाकी इंडियन ब्रांड्स के साथ एक चीज बड़ी कॉन्स्टेंट है, और वो ये है कि उनके इंजीनियरिंग टीम में या तो फॉरेन इंजीनियर्स भी मिलेंगे या उनके कुछ R&D सेंटर्स हमें वेस्टर्न कंट्रीज में देखने को मिल जाते हैं, जैसे महिंद्रा एडवांस डिजाइन यूरोप। और उसका एक बहुत बड़ा रीजन ये है, जो इंडियन इंजीनियरिंग कॉलेजेस में पढ़ाया जाता है और जो इंडस्ट्री डिमांड है उसके बीच में बहुत बड़ा गैप है, और इसी वजह से टाटा और महिंद्रा में काम कर चुके प्रताप बोस जैसे लीडिंग ऑटोमोबाइल डिजाइनर्स भी UK जाते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए। लेकिन इस गैप को इंडिया में रहकर भी ब्रिज किया जा सकता है स्किल लिंक की मदद से। स्किल लिंक इंडिया के वन ऑफ द लार्जेस्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जो कई PG प्रोग्राम्स कराते हैं अक्रॉस द डोमेन्स लाइक मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग वगैरह। साथ ही साथ यहाँ पर आपको इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज पर बेस्ड कोर्सेज भी मिल जाएंगे, लाइक CFD, CAE, हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, एम्बेडेड इंजीनियरिंग, हाई राइज बिल्डिंग्स, डिजाइन इंजीनियरिंग, कॉन्वर्जेशनल AI, डाटा साइंस, ऑटोनोमस व्हीकल्स एंड मशीन लर्निंग। इस प्लेटफॉर्म पर जो भी प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं वो इंडस्ट्री रेलिवेंट होते हैं, ताकि आप इंडस्ट्री रेडी रह सकें। इसके साथ यहाँ आपको लाइव टेक्निकल सपोर्ट भी मिलेगा, और जो भी प्रोग्राम्स इस प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हैं वो सभी इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स द्वारा डिजाइन किए जाते हैं। और सबसे अच्छी बात, यहाँ डेडिकेटेड कस्टमर सक्सेस टीम मिलेगी जो प्लेसमेंट में आपकी पूरी तरीके से हेल्प करेगी। स्किल लिंक ने अभी तक 2000 से ज्यादा जॉब ऑफर्स दिलाए हैं, यहाँ 300 से ज्यादा रिक्रूटिंग कंपनीज हैं और 15,000 से ज्यादा एक्टिव लर्नर्स हैं, और साथ ही साथ 50 से ज्यादा करिकुलर पार्टनर्स हैं, जैसे साइंट, मैथवर्क्स, डसॉल्ट सिस्टम, रनोनिसान, AMTZ वगैरह। तो अभी जाओ और रजिस्टर करो और पाओ एक्सक्लूसिव 15% ऑफ एंड ए फ्री करियर गाइडेंस सेशन, लिंक डिस्क्रिप्शन और प्रिंट कमेंट में मिल जाएगा। महिंद्रा ने जब इन सभी EVs को 15 अगस्त के दिन रिवील करा तो इंजीनियरिंग के साथ साथ टॉक ऑफ द टाउन थे इनके डिजाइन्स। ये तो हम देख ही रहे हैं कि महिंद्रा के डिजाइन्स बहुत ही ज्यादा तेजी से बदल रहे हैं और धीरे धीरे अच्छे ही होते चले जा रहे हैं, और ये सिलसिला लगातार XUV300 से चलता आ रहा है। लेकिन इस लेवल की डिटेलिंग महिंद्रा से हमने एक्सपेक्ट नहीं करी थी। महिंद्रा के बॉर्न EV ब्रांड के डिजाइन का क्रेडिट जाता है महिंद्रा एडवांस डिजाइन यूरोप को, जो कि UK के ऑक्सफोर्ड शहर में सिचुएटेड है। महिंद्रा के एडवांस डिजाइन यूरोप ने सिर्फ 15 महीनों में इन कार्स के आउटर बॉडी के डिजाइन को तैयार कर दिया, जो कि एक रिस्पेक्टेबल टाइम है एक बिल्कुल नए ब्रांड के लिए। इस डिजाइन हाउस में जो 30 लोगों की टीम काम कर रही है वो कॉसिमो अमादी के अंडर काम कर रही है, जो कि एक वेटरन डिजाइनर है और वो टाटा के लिए भी काम कर चुके हैं। बॉर्न EVs UK में डिजाइन हो रही हैं, वहीं XUV रेंज की EVs प्रताप बोस के अंडर डिजाइन की जा रही हैं, जो कि महिंद्रा के डिजाइन हेड हैं और जो कि अगेन टाटा के हेड ऑफ डिजाइन रह चुके हैं। अब हमने ये तो समझ लिया है कि कैसे महिंद्रा इतनी एडवांस्ड EVs बना पा रहे हैं, लेकिन अब हम ये समझेंगे कि महिंद्रा को ऐसा क्यों लगता है कि वो इंडिया की मार्केट में एक EV लीडर बन सकते हैं, वो भी बहुत ही कम टाइम में। महिंद्रा की इस सोच के पीछे कुछ बहुत ही ज़्यादा सॉलिड बैकिंग्स हैं, जिसमें पहला है उनका सुस्त कॉम्पिटिशन। रिसेंटली ये देखने में मिल रहा है कि इंडिया में EV लॉन्च को लेकर फॉरेन ब्रांड्स उतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि टेस्ला ने तो इंडिया में आने से ही मना कर दिया है। चलो वो तो फिर भी बहुत ही ज़्यादा महंगी गाड़ियाँ बना रहे थे, लेकिन जैपनीज ब्रांड्स जो इंडिया में कई सालों से काम कर रहे हैं उनके भी तेवर इस मामले में काफ़ी ज़्यादा ढीले दिखाई देते हैं। जैसे सबसे पहले अगर हम टोयोटा की बात करें तो वो कहते हैं कि इंडिया में कार्बन इमिशन से लड़ने के लिए सिर्फ EVs एक ऑप्शन नहीं है, और उनकी इस बात से मुझे ये लगता है कि वो अपनी हाइब्रिड टेक्नोलॉजी की तरफ इशारा कर रहे हैं, क्योंकि टोयोटा ने अपनी इस टेक्नोलॉजी पर बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्ट करा है, वो इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं कई देशों के अंदर। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि इंडियन गवर्नमेंट तो बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर ही सबसे ज़्यादा पुश कर रही है बाकी किसी भी टेक्नोलॉजी के मुकाबले, तो इस बात पर टोयोटा ने कहा कि अगर इंडिया कम्प्लीटली EV ओरिएंटेड हो गया तब हम अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लॉन्च करेंगे इंडिया के अंदर। यानी कि वो वेट कर रहे हैं कि कोई मार्केट सेट कर दे, उसके बाद वो अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लेकर आएंगे इंडिया के अंदर। लेकिन इसमें देखने वाली बात यह है कि 2030 तक टोयोटा वर्ल्ड वाइड 30 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लॉन्च करने वाले हैं, जिसके लिए वो $35 बिलियन इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, और इंडिया इस रोड मैप में कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। इसी तरह अगर होंडा की बात करें तो इंडिया के मामले में उनका स्टैंड भी बहुत ही ज़्यादा ढीला दिखाई देता है, और इलेक्ट्रिक कार्स के मामले में उनकी तरफ से कोई भी खास स्टेटमेंट नहीं आया है। लेकिन होंडा इंटरनेशनली $40 बिलियन स्पेंड कर रहे हैं अपनी 30 EVs इंटरनेशनली लॉन्च करने के लिए। और अगर हम मारुति सुजुकी की बात करें जो इंडिया में लीडर्स हैं, तो उनका कहना यह है कि 10 लाख के अंदर कोई भी EV लॉन्च करना नामुमकिन है, क्योंकि बैटरी के प्राइस बहुत ही ज़्यादा होते हैं और उनके अंदर कॉस्ट नहीं बचने वाली है अगर वो ऐसा करते हैं तो। और ये बात मारुति की बिल्कुल ठीक भी है, लेकिन यही चीज़ जो है वो महिंद्रा को एज देती है अपने कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले। मारुति का स्टेटमेंट गलत नहीं है,
मारुति की इंडिया में एक छोटी कार मेकर वाली इमेज है, और जब मारुति सुजुकी का नाम आता है तो लोग उन्हें एक इकोनॉमी कार मेकर की तरीके से देखते हैं और उनसे छोटी और सस्ती गाड़ियां लॉन्च करने की उम्मीद करते हैं। और ऐसा नहीं है कि मारुति सुजुकी ने कभी ट्राई नहीं करा बड़ी गाड़ियां बनाने का। उन्होंने ग्रैंड विटारा और किजाशी भी लॉन्च करी थी, लेकिन वो गाड़ियां इंडियन मार्केट में फेल हुई थी। जो मारुति करने में नाकामयाब रहे थे वो महिंद्रा बहुत ही अच्छी तरीके से लगातार करते जा रहे हैं। महिंद्रा लगातार 15 से 25 लाख की रेंज में कई गाड़ियां लॉन्च कर चुके हैं इंडिया में, और जैसा हम जानते हैं कि ईवी की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट काफी ज्यादा हाई होती है, तो महिंद्रा इस बात का काफी ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। मैं पर्सनली ये मानता हूँ कि इंडिया के ईवी प्लान में, मेरा पर्सनली मानना यह है कि इंडिया के अंदर टाटा और महिंद्रा ही इस ईवी सीन को लीड करने वाले हैं, क्योंकि जैपनीज कंपनीज का स्टैंड तो मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ उनके बिहेवियर के थ्रू। लेकिन अभी देखने से ये लगता है कोरियंस और चाइनीज नियर फ्यूचर में इंडियन ब्रांड्स को कड़ी टक्कर दे सकते हैं, क्योंकि हुंडई अपनी कोना और किया अपनी लग्जरी ईवी के साथ इंडिया में प्रेजेंट हैं, और एमजी तो अपनी ZS EV को काफ़ी टाइम से बेच ही रही है। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मेहनत जाती है और बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन भी मिलती है हमें ऐसी वीडियोस बनाते रहने के लिए। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और अपने विचार महिंद्रा की EVs के बारे में कमेंट्स में ज़रूर छोड़ना। और जाते जाते डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से स्किल लिंक पर ज़रूर रजिस्टर करें और पाएं 15% एक्सक्लूसिव डिस्काउंट। थैंक यू।